हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ F1 टेक के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, गूगल फ़ोटो के बारे में। जी हाँ, गूगल फ़ोटो तो हम लोग सभी यूज करते ही हैं, फ़ोटो स्टोर करने के लिए, वीडियो स्टोर करने के लिए। लेकिन गूगल फ़ोटो में बहुत सारे हिडन फीचर्स होते हैं, ये शायद किसी को पता है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरी जानकारी तो आपको काम आएगी ना। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि गूगल फ़ोटो में और हम क्या एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले गूगल फ़ोटोज को हम ओपन कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा फोल्डर है, इसमें मैंने कुछ फ़ोटोज के सैम्पल को मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो पटना के महावीर मंदिर का है। ये मेरे को पता है, या फिर जो पटना के लोग हैं उनको पता है, बट पटना के बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ का मंदिर है, इसकी लोकेशन क्या है, तो ये हम कैसे जानेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि नीचे जो फ़ोटो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ोटो में आप जैसे देख लीजिए, ये जो सिंबल बना हुआ है आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं गूगल स्कैन। जी हाँ, गूगल स्कैन है ये। इसका गूगल स्कैन ऐसे नाम है नहीं, मैंने इसका नाम रखा है गूगल स्कैन। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करता है। इसको क्लिक किया, ये गूगल लेंस है, और देखिए गूगल लेंस ने आपको ये बता दिया, ये महावीर मंदिर है और इसका एड्रेस, फोटो, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो जैसे हम मैप्स पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये कहाँ का मंदिर है, क्या है। ये देखिए महावीर मंदिर पटना, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। तो ये तो हो गया फर्स्ट आप कमाल। और उसके बाद हम अब जैसे ये देखिए डॉट जो आ रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पर क्या है। जैसे मैंने इस यहाँ इस बोर्ड पर इसको आइडेंटिफाई किया, तो फिलहाल देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का यहाँ पे मिश्रण है, और इसको फिलहाल हम यस करते हैं और बैक जाते हैं, फिर से गूगल लेंस ओपन करते हैं, अलाउ बैक। आप गूगल लेंस के मदद से कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके भी आप उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, बैक करते हैं, फिर से हम गूगल फोटोज को ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें कि हमें और क्या क्या इम्प्रूव मिलता है। बैक करते हैं, अब ये फ़ोटो है। इस फ़ोटो में मैं वाइट टी शर्ट में खड़ा हूँ, बगल में मेरा दोस्त है अनिल, और ये जो गाड़ी लगी हुई है ऑडी है। मुझे तो पता है ऑडी है, बट किसे पता है ये कौन सी गाड़ी है, या किन्हीं और लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी गाड़ी है। तो सिंपली हमें स्कैन करना है यहाँ पे गूगल लेंस के थ्रू, और ये देखिए ये जो है ऑडी A6। जी हाँ, गूगल लेंस ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा क्या है। या अगर A6 को आइडेंटिफाई नहीं भी किया हो, तो कम से कम उसने ये तो बता दिया कि हाँ ये ऑडी है। चलिए एक और टेस्ट करते हैं, ये मंदिर देख लीजिए, यहाँ मैं पूजा करने गया था। तो अब देखिए, मुझे तो पता है कि ये कहाँ का मंदिर है, बट आपको नहीं पता कि ये कहाँ का मंदिर है। फिर से हम इसको गूगल लेंस से स्कैन करेंगे, और महावीर यहाँ देख लीजिए, माँ शीतला मंदिर अगम कुआँ। जी हाँ, यहाँ पे आपको लोकेशन मिल गया। फिर से हम इसको स्कैन करेंगे, वही चीज़, बैक में फिर से जाएंगे। अभी देखिए ये मेरा फ़ोटो है, ये जाहिर सी बात है बहुत ही फेमस जगह का ये है, पटना साहिब गुरुद्वारा का है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग स्कैन करेंगे यहाँ से। मैंने इसको स्कैन किया गूगल लेंस के थ्रू, और ये देखिए तक श्री पटना साहिब गुरुद्वारा इन पटना, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी, आप इसके मदद से आप बहुत कुछ कमाल कमाल की चीज़ें कर सकते हैं।
ऐसे बैक में चले जाइए फिर से। अब ये जो बीच वाला जो ऑप्शन है ये आप देख रहे हैं, तो इस ऑप्शन में आपको फिक्स जो है करने को मिलेगा आपका कॉन्ट्रास्ट। ये देखिए ऑटो में, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, मैनुअली भी इसे आप कर सकते हैं, हाई लो जैसा आप करना चाहें। तो एक तरह से ये फोटो एडिटिंग में भी बहुत काम आने वाला है आपको। तो फिलहाल इसको कट करते हैं, डिस्क्राइब नेक्स्ट फोटो। ये देखिए इसी को उस तरीके से स्कैन करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा कि मंदिर कहाँ है। देखिए जल्ला हनुमान मंदिर, हिंदू टेम्पल इन पटना, ये भी पटना का टेम्पल है। अब देखिए गूगल फोटो में ये जो गूगल लेंस है ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं, अब ये मत पूछना कि ये क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर से हम इसको स्कैन करते हैं गूगल लेंस के थ्रू, आइडेंटिफाई कराते हैं कि व्हाट इज दिस, दिस इज कॉमन गुआवा, यानी कि ये तो अमरूद तो ही तुम्हें पता ही है। चलिए फिर से इसे बैक करते हैं। अब ये कौन सी चीज़ है भाई, देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर से हम इट माइट बी वन ऑफ दीज, यानी कि ये ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से ये मापो ढोको एशियन सूप या ये तीनों जो रेसिपी है मैंने तो खाई नहीं, मैं बस टेस्ट करा था कि ये है क्या। चलिए फिर से इसे हम बैक करते हैं। हाँ इसे तो आप खा ही होंगे, सिंपली मैं इसको स्कैन करता हूँ गूगल लेंस के थ्रू, और ये तो डायरेक्टली आपको रेस्टोरेंट में ले आया कि कहाँ ये मिलेगा। वाह बहुत अच्छा, चिकन देखते हैं ये क्या बोलता है, करी। मिला जुला के इसका रिस्पॉन्स सही मैं मानूंगा। अब ये देखिए इसे तो आप पहचानते ही होंगे, जी हाँ नूडल सूप। ये देखिए फिर से इसको स्कैन किया, बहुत ही अच्छी ऐप है गूगल ऐप में, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है गूगल फोटोज में। हालांकि ये बहुत ही पुराना क्या बोलते हैं ट्रिक है, बट मैं आपको भी बता रहा हूँ, शायद जो लोग नहीं जानते उन लोग जान जाएंगे। अब ये देखिए पिज्ज़ा है सबको पता है, अब ये फ़ोटो कहाँ पे क्लिक हुई है और ये फ़ोटो कहाँ का है, प्रोडक्ट कौन सा है जो खाने वाला प्रोडक्ट है पिज्ज़ा, इसको फिर से हम स्कैन करते हैं। इंडियन समर कैफे फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है यहाँ देखिए आप देख सकते हैं पिज्ज़ा का, इन्होंने मेरे को बता दिया है कि ये पिज्ज़ा है। ओके फिर से हम इसे यस करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसको फिर से हम स्कैन करते हैं और डायरेक्टली पिज्ज़ा के ऊपर हम ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी आपसे। अब ये जो मेनू कार्ड मैंने ऐड किया है इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इटली, इटली तो हम जानते हैं जिन्होंने खाया जानता है, वो जो फर्स्ट टाइम इटली खाएगा उसको पता कैसे लगेगा ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा दिखता होगा ये प्रोडक्ट। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्कैन पे जाना है, आप देख सकते हैं वाइट सब वाइट अंडरलाइन हो गया। अब सिंपली हमें यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है, ये देखिए इटली पे मैंने ये देखिए वहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे इटली का फोटो के साथ। अब देसी वड़ा, देखिए देसी वड़ा आता है, फोटो को हम बड़ा भी कर सकते हैं। स्पेशल मसाला डोसा, ये देखिए सादा डोसा, सॉरी सादा डोसा। अब यहाँ देखिए ऑनियन, सॉरी यहाँ पे जैसे ऑनियन आ गया, ऑनियन फिर से करते हैं। है तो ये बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों,
अभी जैसे यहाँ पे है, मैं ले लेता हूँ 85 नंबर पे बटर ओनियन मसाला डोसा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बटर ओनियन मसाला डोसा। खैर ये भी कुछ कुछ इंडियन प्रोडक्ट को, इंडियन डिशेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत ही जल्द इसमें इम्प्रूव होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे बताएं, और गूगल के इस न्यू फीचर्स के बारे में अगर आपको पता है तो हमें बताएं कि कैसे आपको पता चला, गूगल के थ्रू या किसी यूट्यूबर के थ्रू। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए सब्सक्राइबर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।